दोस्तों पहुंच गया हूं पटना उच्च न्यायालय। यह भव्य इमारत आप देख रहे हैं और इस भव्य इमारत में दिव्य न्याय की प्रत्याशा में इस चिलचिलाती जो धूप आज है उसमें सफ़र करते हुए मैं यहां तक पहुंच गया हूं। 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है। रजिस्ट्रार से मिलने का प्रयास किया है। रजिस्ट्रार भी जज होते हैं, जिला जज स्तर के लोग उच्च न्यायालयों में रजिस्ट्रार के पद पर होते हैं। मुलाकात न होने के कारण मैंने वहाँ पत्र दे दिया है, चूँकि कोई रिसीविंग मिली नहीं है इसलिए एक पंजीकृत पत्र भी मैं भेज रहा हूँ। चूँकि भीतर वीडियो करना वर्जित है, आप देख रहे हैं भवन है उच्च न्यायालय का पटना का, बड़े बड़े डिसीजन यहाँ से प्रतिपादित किए गए हैं। पुराना उच्च न्यायालय है यह। अब हमने दिया है जो चमकी बुखार है उससे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, जो बच्चे मरे हैं उनके पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान कराया जाए, यह मांग किया है। यह भी मांग किया है जो मेडिकल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। यह भी कहा है कि लोगों को संपूर्ण गरिमा से आच्छादित जीवन जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, इसलिए उस अनुच्छेद के हनन, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके हनन के आरोप में प्रदेश सरकार को तलब करें, जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाएं, जवाब तलब करें और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएं कि बच्चे न मरें। यदि बच्चे मरते हैं जिस राज्य में ऐसी बीमारी से, ऐसे बुखार से, तो वह लोक कल्याणकारी प्रदेश और देश नहीं हो सकता। बच्चों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, देश का दायित्व है, जिसमें नीतीश गवर्नमेंट असफल रही है। इतना चिल्लाने के बाद भी अगर बच्चे मर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, तो वहाँ नालियाँ जाम हैं, पॉलीथीन से पूरा नालियाँ जकड़ी हुई हैं, वहाँ पाइपलाइन फूटी हुई है, वही बदबूदार और प्रदूषित पानी लोग पी रहे हैं, छतें टपक रही हैं। और कल के दिन अभी यह भी हुआ कि एक आईसीयू का टूट करके छत गिरा है। मैंने पहले भी आगाह किया था, अगर ये लोग समय से चेतते तो ऐसा नहीं होता। माना कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य कई प्रदेशों में, देश के अधिकाधिक भूभाग में जब आग लग जाएगी तो लोग कुआं खोदेंगे, उसी समय निदान के लिए लोग प्रयास करेंगे। चलिए आज हमने पुनः, या देखिए आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना, ये पंजीकृत पत्र है, अपना हमने अपना एड्रेस दिया है, नाम दिया है और इनसे मांग किया है कि 20-20 लाख रुपए पीड़ित परिवार जिनके बच्चे मरे हैं उनको प्रदान कराया जाए, और जो बच्चे इलाज की दशा में हैं उनका समुचित इलाज करा करके, त्वरित इलाज करा करके चीफ सेक्रेटरी को तलब करिए। प्रधान जो सेक्रेटरी है चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण का, उसको तलब करिए। और उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में अधिकार है कि वह सरकार को भी बर्खास्त कर सकता है। यह बात तो आपको अटपटी लगेगी, लेकिन यह अधिकार उनको प्राप्त है। महामहिम को दिया है, यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग भी है, सूचना भवन के पास बेली रोड पर, वहाँ भी दिया है। अब पहुँच गया उच्च न्यायालय और बताते चलें कि भैया 226 के तहत यह जो हमने इनको दिया है उसमें मांग किया है कि अनुच्छेद 226 के तहत हमारे इस पत्र को PIL लोकहितवाद के रूप में संस्थित करते हुए संबंधित को नोटिस जारी करें और समुचित चिकित्सा। देखिए भैया, अगर भोजन के अभाव में कोई मरता है तो यह राज्य पर अधिरोपित होता है। राज्य का दायित्व है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई व्यक्ति न तो भोजन के अभाव में मरेगा और न ही पानी और दवा के अभाव में मरेगा, इसकी व्यवस्था कराना राज्य का दायित्व है। और राज्य इस मामले में सुशासन बाबू पूरी तौर पर असफल साबित हुए हैं। राज्यपाल महोदय को हमने बताया ही, सो रहे हैं, सोने का समय भी आ गया है, तनिक भी हलचल नहीं है। 84-85 साल में करेंगे क्या? तो यहाँ हम उम्मीद रखते हैं और यही नहीं कहीं करेंगे भैया, यह मत समझिएगा कि मैं दे करके पत्र अपने कर्तव्य की तीसरी कर लिया। मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से RTI भी लगाऊंगा और हमारे RTI का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। मैं पूछूंगा हमारे पत्र पर किया क्या आपने, हम यहाँ के महामहिम श्री राज्यपाल से भी पूछेंगे। यह भी बताते चलें, देश का पहला व्यक्ति संभवतः हो सकता हूँ जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से
आरटीआई लगा करके क्षमादान याचिकाओं के बारे में पूछा था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसका जवाब भी दिया था। पूछा था क्षमादान याचिकाएं कितनी लंबित हैं, कब कब आपने नोटिस जारी किया, गृह मंत्रालय ने पत्र कब कब आपको दिया, प्रत्युत्तर में कब कब जवाब दिया, यह सब पूछा है। आज पुनः अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए 24 जून 2019 को हम हैं पटना उच्च न्यायालय के ठीक सामने, पत्र दिया है, पंजीकृत रूप से भी भिजवाएंगे। और इसका क्या होता है मैं नहीं जानता, हम छोटे औकात के लोग हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। लोग कहते हैं भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी औकात तो बहुत है, सिंहासन हिला देंगे। और जनता ही जो चाहती है मत दे करके इन्हें राजा बनाती है, और जनता चाहेगी कान पकड़ करके इन्हें बाहर कर देगी। दिक्कत यह है कि जनता वर्ग में, क्यारियों में और टुकड़न टुकड़ों में बटी है, जाति में है, धर्म में है, संप्रदाय में है, लोग बट गए हैं, इसलिए सबका मन बढ़ा हुआ है। जिस दिन लोग ऐसे मामलों पर एक मत होकर के कहेंगे, उस दिन चाहे सुशासन बाबू हों, चाहे यहाँ के गवर्नर साहब हों, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग है, अब राज्य मानवाधिकार आयोग का देखिए संवैधानिक संस्था है, और उनके जो अध्यक्ष होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे, ऐसे ऐसे ऐसी व्यवस्था की जाती है, और उनके जज साहब लोग उनके सदस्य होंगे, इस तरह से चल रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, वह सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज होगा। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर लोग रह करके डंडा करते त्वरित, अब क्या है, अब पत्र पर लिखा पड़ी होगी, चढ़ेगा रजिस्टर में, जहाँ मेल का मेल भी आप करेंगे त्वरित संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही है, इनको सबको ठीक करना है, और ठीक करने का काम जिंदा कौमों को है। भैया आज ब्रजभूषण दुबे का आप सभी सादर नमस्कार स्वीकार करिए, और ऐसे मामलों पर आपका भी आह्वान करता हूँ, जो जहाँ से है वहीं से उठ खड़े होने की आवश्यकता है। यहाँ हजारों हजार अधिवक्ता हैं, इनको भी याचिका करना चाहिए PIL पर। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, हर जगह यही हाल है, आप देख रहे हैं पटना उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 से हमने प्रवेश किया था, यहाँ रजिस्ट्रार महोदय बैठते हैं, बैठ करके देखना है, आगे भी करेंगे। धन्यवाद।